हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 2022। जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनअकैडमी गेट एमई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट बनिए हमारे इस मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022 का। ओके फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर एवरीडे आपसे मिलते हैं और ये जो हमारा चैनल है, हमारी चैनल में ये हमारी ये 10 लोगों की टीम है, टोटल 10 लोगों की टीम है जो कि यहाँ पर एवरीडे आपसे मिलती है और यहाँ पर हम लोग एवरीडे आपको गाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी ये जो 10 लोगों की टीम है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक डेडिकेटेड फैकल्टी है और हमारे पास यहाँ पर देवेंद्र सिंह नेगी सर और वीरेश मनोचा सर और विशाल सर हैं और अपरूप सर हैं और हमारे वहाँ नेगी सर, ये पल्लव सर हैं और अमित दीक्षित सर हैं और NLN संगा शर्मा सर हैं, आलोक सर हैं और वन एंड ओनली प्रखर श्रीवास्तव सर हैं। बहुत ही धुरंधर लोगों की टीम है फ्रेंड्स। और ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल यहाँ पर दिया हुआ है। हम सभी लोग आपके पास यहाँ पर आते हैं इस YouTube चैनल पे और एवरीडे कुछ ना कुछ यूनिक आपके लिए लेकर आते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो एक हमारी नई सीरीज है जिसमें हम लोग आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन से हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और नई चीजें यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो मैं आज आपके लिए मेटल कास्टिंग प्रोसेस का एक रियल लाइफ एक एग्जांपल लेकर के आया हूँ जिसको मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेटल कास्टिंग प्रोसेस कैरी आउट करती हैं और फिर उसमें मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू, उस प्रोसेस के खत्म होने के बाद मैं एक एनिमेशन के थ्रू और भी अच्छे तरीके से आपके माइंड सेट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आप लोग ये ध्यान रखिए कि अगर आपको हमारे अनअकैडमी गेट एमई पर, अगर आपको हमारे अनअकैडमी नहीं, अगर आपको हमारे अनअकैडमी के प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे कोई कोर्स अगर आपको परचेज करना है, अनअकैडमी प्लस पे आपको कोई कोर्स अगर परचेज करना है तो उसके लिए आप मेरा कोड सर्वेश10 और सर्वेश11, ये यहाँ पर मेरा कोड दिया हुआ है, इस कोड का आप यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सर्वेश10 या सर्वेश11 ये जो कोड दिया हुआ है इसका आप यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप क्या कहते हैं, कोई भी कोर्स कहीं पर भी, आप चाहे अपना गेट ईएससी का हो या IIT JEE का, आपका कोई फ्रेंड हो, कोई छोटा भाई बहन हो या फिर कोई रिलेटिव हो या फिर आपको कोई भी कोर्स या कोई बड़े में कोई हो, किसी को IAS की प्रिपरेशन करनी हो, किसी को क्या कहते हैं MBA की प्रिपरेशन करनी हो, CAT की प्रिपरेशन हो, किसी को CTET की प्रिपरेशन करनी हो, हर एक जगह ये मेरा कोड सर्वेश10 लग जाएगा जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो आइए देखिए, सबसे पहले ये जो प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड ये दिख रही है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोल्ड की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये क्या किया, इन्होंने एक लकड़ी का वुडन एक पैटर्न लिया है, एक वुडन पैटर्न लिया है और उस वुडन पैटर्न से इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करी। अभी ये सैंड कोर पहले से बना के रखे हुए हैं, ये सैंड कोर पहले से बना के रखे हुए हैं और इनको थोड़ा पेंट वगैरह कर लेंगे थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये जो हमारा क्या कहते हैं पैटर्न है, उस पैटर्न को आप देखिए अच्छे से पॉलिश कर रखा है इन्होंने, पैटर्न को आउटर से बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश कर रखा है ताकि वहां पर आपको सरफेस फिनिश, फाइनल प्रोडक्ट की सरफेस फिनिश अच्छी मिले। अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी इसने मोल्डिंग सैंड फिल करी है, एक वुडन फ्लास्क पे इसने पैटर्न को रखा और पैटर्न को बीचों बीच में रखा, एक वुडन फ्लोर था उसके ऊपर रखा वुडन फ्लास्क और उसके बीच में रखा पैटर्न और फिर मोल्डिंग सैंड भरी, उसको कंप्रेस किया और फिर यहाँ पर हमने जो बना लिया है, तो यहाँ पर हमने सैंड छिड़की है। अब पैटर्न का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रख दिया और अब हम लोग ये दूसरा फ्लास्क लेकर के आएंगे और यहाँ पर हम लोग अभी ये देखिए, ये राइजर और एक इसी के साथ साथ राइजर के साथ साथ ये राइजर का अरेंजमेंट हो गया और इसी के साथ साथ एक लेकर के आएंगे, ये हमारा दूसरा फ्लास्क आ गया, ठीक है ना। तो नीचे वाला फ्लास्क जो है वो था आपका ड्रैग और ये ऊपर वाला जो है ये है कोब। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने
ये अरेंजमेंट कर दिया है ओके ये आ गया राइजर के लिए आ गया और वो हमारा स्क्रू था ओके स्क्रू में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू आपका टेपर्ड होता है, डिक्रीजिंग डायमीटर डाउनवर्ड कुछ इस तरीके का रहता है, नीचे आते समय डायमीटर डिक्रीज कर रहा होता है ओके इसको कंप्रेस कराने के बाद जो भी एक्सेस सैंड है उसको हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं, उसको बाहर निकाल दे रहे हैं और ये पूरा का पूरा यहां से हटा देते हैं, जो भी एक्सेस सैंड है उसको यहां से ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है, इससे क्या होता है फ्लैट सरफेस हमें मिल जाती है अब देखिए यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एकदम प्रॉपरली अलाइन हो रखे हो ऊपर से कोप और ड्रैग, इसीलिए यहां पर ये आपको ये अलग से लगा रखा था, यहां पर ये एक आपका अलग से लगा रखा था। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए इन्होंने क्या किया, इसको खोल लिया और ये जो पिन खोलने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे अपने इस पैटर्न को अब यहां पर देखिए यहां पर ये क्या कर रहे हैं, खोलने के बाद ये थोड़ा गेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, एक रनर डिजाइन कर रहे हैं ओके यहां ये जो रनर है ये जो स्क्रू था स्क्रू के बेस से इस मोल्ड कैविटी को कनेक्ट करने का काम करेगा ओके अब देखिए इन्होंने क्या कर रहे हैं ये लोग ड्रॉ स्पाइक, ये दो तीन रॉ स्पाइक यहां पर फंसा करके इसको फोर्सफुली यहां पर हुक करके उसके बाद थोड़ा सा स्ट्राइक करते हैं अपने पैटर्न के ऊपर और पैटर्न को अब ऊपर उठा लेंगे ठीक है फ्रेंड्स, पैटर्न को धीरे से बहुत ही डेलिकेट वे में इसे ऊपर उठा लेंगे, बहुत ध्यान देना पड़ता है कहीं से भी कॉर्नर की कोई भी आपकी टूटने ना पाए, मोल्ड वॉल टूटने ना पाए। तो अभी क्या हो रहा है ये देखिए इन्होंने क्या किया, इसको कोर के प्लेसमेंट के लिए अरेंजमेंट बना रहे हैं, जब प्रीवियस केस में आपने देखा था प्रीवियस केस में इन्होंने जब जनरेट कर लिया था एक मोल्ड कैविटी जनरेट कर ली थी, पैटर्न को बाहर निकाल लिया था, तो फिर उसके बाद अब ये लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वही जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कोर सैंड बना के रखी हुई है, उस कोर सैंड के मटेरियल को यहां पर प्लेस करेंगे और ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर उस कोर से जो भी गैसेस या जो भी स्टीम निकलती है उसको बाहर निकलने के लिए अरेंजमेंट बना रहे हैं ओके तो ये कोर की प्लेसमेंट देखिए बहुत ही डेलिकेट तरीके से लेके आएंगे और कोर की प्लेसमेंट करेंगे अभी देखो ये पेंट वगैरह कर देने से ना थोड़ा सा ये कर देने से क्या होता है थोड़ी जो प्रोडक्ट की जो सरफेस फिनिश मिलती है अंदर से बाहर से वो काफी अच्छी मिलती है ओके देखिए ये जो थ्रेड का यूज करके इसे रखा था ताकि प्रॉपरली बैलेंस्ड रहे ये कोर का जो मटेरियल है और प्रॉपरली बैलेंस्ड रहे ये कोर का मटेरियल एक मिनट फ्रेंड्स ये प्लेसमेंट ऑफ कोर में देखिएगा जरा फिर से ये लेके आए और इसको यहां पर बहुत ही सॉफ्ट वे में इसको रख दिया यहां पर ये हम लोग पहले भी देख चुके थे
अब इन्होंने क्या किया, इस स्कोर के ऊपर यहां पे ये दोनों हम लोग मैच करा दे रहे हैं, इन दोनों को मैच कर दे रहे हैं कि कोप और ड्रैग को देखिए प्रॉपरली मैच कर रहे हैं, जरा सा भी इधर उधर मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहां पर इस कोर के लिए यहां पर हम लोग ये जो है यहां फीडिंग ऑफ फीडिंग अरेंजमेंट जो भाई एक्स्ट्रा बना रहे हैं, जो हमारा कोप जो हमारा स्क्रू रहता है स्क्रू के ऊपर कई बार इसको रखते हैं। ये देखिए इसका जो ओपनिंग था नीचे से, तो ये ऊपर से इसकी ओपनिंग काफी चौड़ी कर दी है। ऊपर से ओपनिंग काफी चौड़ी करने का क्या फायदा हो रहा है, ऊपर से ओपनिंग काफी चौड़ी करने का फायदा ये हो रहा है कि अभी जब मोल्टन मीटर एंटर कर रहा हो तो बड़ी आसानी से मोल्टन मीटर एंटर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग मेटल को मेल्ट करने का काम कर रहे हैं। पहले एक फर्नेस में ये देखिए टूटा फूटा हमारे पास मेटल है, स्क्रैप मेटल है, इसको हमने क्या करेंगे, अब इसमें इस छोटी सी फर्नेस है, इस छोटी सी फर्नेस में इसको हम लोग डालेंगे और मेल्ट कर लेंगे। अब जब मटेरियल हमारा मेल्ट हो गया है, इसे बाहर निकाला, बहुत ही सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेफ्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पर। और यहां ला करके इसको पोर कर रहे हैं, एक साइड से हम लोग पोर करते हैं और तब तक पोर करते हैं जब तक दूसरे साइड से निकल करके ऊपर ना आ जाए। तो अभी यहां पर आपको दिखाई नहीं पड़ी, यहां देखिए गैस ही हल्की हल्की बाहर निकलने लगी है, दूसरे वाले भी वहां से गैस निकलने लगी थी और ये इसका मतलब वो भर चुका था, फिर छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। और अब देखिए इसको ऊपर उठा रहे हैं, ये जो फीडिंग सिस्टम इसको ऊपर उठा रहे हैं, तो दोनों तरफ मटेरियल सॉलिडिफाई हो चुका है, गैस निकल रही, लगातार गैस बाहर निकल रही है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको खोलेंगे, ये जो हमारे कोप और ड्रैग है मोल्डिंग प्लास, इसको खोलने का समय आ गया है। अब इसको खोल लिया हमने, और खोलने के बाद क्या करेंगे, इसमें से हम लोग ये जो हमारा सॉलिड प्रोडक्ट है, इस सॉलिड प्रोडक्ट को हम लोग बाहर निकालेंगे। ओके, तो सॉलिड प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए मोल्डिंग सैंड को कोलैप्स कराना पड़ता है, और इस समय मोल्डिंग सैंड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है कोलैप्सिबिलिटी, ये बहुत काम आती है। ये देखिए गैसेस जो बाहर निकल रही है ये परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से निकल रही है, जो यहाँ पर जो बना हुआ था इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी हुई थी मोल्डिंग सैंड के बीच में, वो किसकी वजह से बनी थी, वो आपकी कोहेसिवनेस या फिर मोल्डिंग सैंड स्ट्रेंथ की वजह से वो बॉन्डिंग बनी हुई थी। तो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनका बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है हमें, रिफ्रैक्टिवनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि मोल्टन मेटल के टेम्परेचर को झेल सके हमारा प्रोडक्ट। अब ये हमने बाहर निकाल लिया अपने फाइनल प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो भी एक्सेस जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस केस में आप देखो ये यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं तो इस फाइनल प्रोडक्ट के साथ में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी रहती हैं। जो फीडिंग सिस्टम था वो फीडिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं फिर से इस वीडियो को रन कर रहा हूँ, देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको ब्रेक करेंगे, ये देखिए जो ऊपर से जो निकला हुआ एक पाइप जैसा आपको ऊपर से निकला हुआ दिख रहा है, ये आपका फीडिंग सिस्टम का पार्ट है, ये एक तरफ से एक तो स्क्रू का और दूसरा राइजर का, जो टेपर्ड है वो स्क्रू का एक्सटेंशन है और जो स्ट्रेट डायमीटर का है एक ही डायमीटर कांस्टेंट डायमीटर का वो आपका राइजर का है। ये यहां से हमने मटेरियल निकाल लिया अपना फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकाल लिया, और अब क्या करेंगे इसको हम लोग लेकर जाएंगे और इसमें कुछ होल बना रहे हैं। ये होल बनाने का क्या फायदा है, ये अंदर जो हमने कोर रखा था ना फ्रेंड्स, ये जो कोर हमने अंदर जो रखा था वो उस कोर को बाहर निकालने का काम चल रहा है। ये जो काम चल रहा है ये क्या चल रहा है, ये कोर को बाहर निकालने का काम चल रहा है। और आप देखो अब यहां अंदर ये सैंड है सॉलिडिफाई, ये भी काफी टाइट हो चुकी है, तो इसको फोड़ फोड़ करके इसको निकाल देंगे, हैमर से स्ट्राइक करके इसको निकाल दिया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये हमारा इस टाइप का प्रोडक्ट बन करके तैयार हो चुका है। तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद ये सब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बनने के बाद ये कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही हैं जिनको हम लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो करते हैं, अगर नहीं पड़ती तो नहीं करते हैं। ओके, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यही था, ये देखिए जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था ये मशीनिंग के लिए तैयार हो चुका है। आपकी जो आउटर सर्फेसेस हैं, आउटर सर्फेसेस की मशीनिंग कराने के लिए इसको हम लोगों को ले जाना पड़ता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको यहां पर बताया, ये जो मैंने आपको चीजें बताई, क्या क्या बातें मैंने बताई आपको यहां पर, यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो कास्टिंग प्रोसेस होती है, कास्टिंग प्रोसेस में कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए। बेसिक स्टेप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस, ओके। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए मोल्ड कैविटी, ओके, एक मोल्ड कैविटी बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मोल्ड कैविटी बनाने के बाद फिर मेटल को मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग द मेटल, ओके, मेटल को मेल्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मोल्टन मेटल जो हमें मिलता है इस मेल्टिंग से, उस मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, पोरिंग द मोल्टन मेटल इन previously made mold cavity which is nearly identical to the shape of desired component. ये जो मोल्ड कैविटी होती है ये लगभग सिमिलर होती है, नियरली आइडेंटिकल होती है किसके, उस फाइनल प्रोडक्ट के, नियरली आइडेंटिकल टू द shape of to the shape of desired component, okay, nearly identical to the shape of desired component. और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, ये जब हमने मोल्टन मेटल पोर कर दिया है उसके बाद फिर इसको अलाउ करते हैं, इस मोल्टन मेटल को ठंडा होने और सॉलिडिफाई होने के लिए, अलाउ द मोल्टन मेटल टू कूल
allow the molten metal to cool and solidify, and at last removing the solidified component from the mold. Removing the solidified component from the mold, clean it, साफ करते हैं इसको. आप देख रहे हैं कैसे मोल्डिंग सैंड से निकलते समय कितना गंदा रहता है, सैंड लगी रहती है चारों तरफ. क्लीनिंग इट एंड subjecting it to the further treatment. Subjecting it to the further treatment. अब ये further treatment इसका क्या मतलब है friends? और यहां पर लिखिएगा if needed. मतलब कि अगर जरूरत पड़े तब तो आप कोई further treatment कीजिए. Further treatment का मतलब क्या हुआ? Machining operation. ठीक है ना? अगर surface finish आपके डिजायर्ड लेवल की नहीं मिली है तो आप यहां पर सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, कुछ मशीनिंग ऑपरेशन कीजिए. और अगर सरफेस फिनिश आपके डिजायर्ड लेवल की मिल चुकी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप को कोई जरूरत नहीं है कोई और चीज करने की. हाँ, लेकिन वे सॉलिफाइड कंपोनेंट को बाहर निकालने के बाद उसको क्लीन तो करना ही पड़ता है. तो ये चीजें हैं. तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर जैसे क्या था, यहां पर ऑलरेडी हमारा जो प्रोडक्ट था, हम लोग जो ये जो पैटर्न यूज कर रहे थे, देखिए ये पैटर्न आपके पास जो पैटर्न था ये कितना शाइन मार रहा था. बाहर से इसको बकायदा पेंट कर रखा है अच्छे से, भले ही वुडन पैटर्न है हल्का सा है, लेकिन पे बाहर से एकदम शाइनिंग आ रही है. तो इसमें क्या है कि जो फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप के पैटर्न से जो मोल्ड कैविटी बनती है वो अंदर से बहुत ही स्मूथ रहती है. और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ये देख रहे हैं आप, ये फाइनल प्रोडक्ट भी काफी हद तक स्मूथ तो है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, अभी भी ये जो स्मूथनेस है ये भी अभी भी कम पड़ जाती है. और आप देख सकते हैं कई सारी जगहों पे जहां पे दोनों पैटर्न के ज्वाइन होने से, जो हमारा जो कोप और ड्रैग के ज्वाइन होने वाली जो जगह थी वहां पर आप देखिए कई सारा एक्स्ट्रा मटेरियल निकला हुआ है. तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकला हुआ है जिस जगह पे कोप और ड्रैग आपस में ज्वाइन करते हैं वहां पे बगल साइड से एक्स्ट्रा मटेरियल निकला हुआ, तो उसकी मशीनिंग करा के निकालना बहुत जरूरी है. ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसा मटेरियल हम लोग कहीं पे भी रियल लाइफ में यूज नहीं करना चाहेंगे जहां पर ये इस तरीके का मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल बाहर एक्सेस मटेरियल निकला हुआ हो. हम लोग एकदम ऐसे मटेरियल्स को यूज करते हैं जो कि जिनके एस्थेटिक लुक्स बहुत ही अच्छे होते हैं. तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जिसको मशीनिंग कराने के लिए ले जा रहे हैं हम लोग. तो यही यहाँ पे लिखा हो कि अगर जरूरत पड़ती हो तो मशीनिंग कराइए, और ना पड़ती हो तो मत कराइए. ठीक है ना, तो ये हो गए बेसिक स्टेप्स, हो गए कास्टिंग प्रोसेस के. अब मैं आपको एक एनिमेशन की हेल्प से एक और बेटर पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पर देखो कि ये कि किस तरीके से ये आपकी कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि किसी भी कास्टिंग ऑपरेशन में फॉलो किए जाते हैं. ओके, तो आप लोग देखो इसको. ये देखिए एक वुडन बोर्ड लिया हमने,
इसके ऊपर हमने एक वुडन फ्लास्क रख दिया, जो नीचे वाला फ्लास्क होता है उसे कहते हैं ड्रैग, ऊपर वाले कहते हैं कोप। यहाँ बीचों बीच में एक पैटर्न ला करके रखा है, ये पैटर्न बीच में से कट कर रखा है, ये पैटर्न बीच में से कट कर रखा था, जो कि कहते हैं क्या नाम है, फ्लैट रहता है। अब यहाँ पर हमने पाउडर स्प्रिंकल किया है, पार्टिंग सैंड हम लोग स्प्रिंकल कर रहे हैं। ये पार्टिंग सैंड स्प्रिंकल करने से फायदा क्या हो रहा है, पार्टिंग सैंड स्प्रिंकल करने से फायदा ये हो रहा है कि वहां पर आपका सरफेस पूरी प्लेन हो गई। अब क्या किया हमने, हैंड रीडल का इस्तेमाल करते हुए, छन्नी का इस्तेमाल करते हुए मोल्डिंग सैंड यहाँ पर फिल करी है। ओके, ये मोल्डिंग सैंड फिल कर दी है और पीछे से ला करके हमने बैकिंग सैंड भी यहाँ पर फिल कर दी है। ये मोल्डिंग सैंड आगे और बैकिंग सैंड पीछे साइड से, बैक साइड से जो सपोर्ट करती है जो सैंड, उसे बैकिंग सैंड कहते हैं। ओके, ऐसा किया हमने और जब ये कंप्लीटली फिल हो गया, ऊपर तक आ जाता है मोल्डिंग सैंड, तो इसको हम लोग रैमिंग कराते हैं। लकड़ी का एक रैमर होता है हमारे पास, लकड़ी के रैमर से रैमिंग कराते हैं और फिर ये स्ट्राइक ऑफ बार का इस्तेमाल करके, स्ट्राइक ऑफ बार का इस्तेमाल करके यहाँ से जो भी एक्सेस सैंड होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सेस सैंड को बाहर निकालने के बाद फिर हम लोग इसको पलट लेते हैं और जो पैटर्न दिख रहा होता है हमें आधा हिस्सा, उसी के ऊपर जस्ट ऊपर हम लोग बाकी आधे हिस्से को, पैटर्न के बाकी आधे हिस्से को रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से वही सारा काम हम लोग करेंगे। पाउडर स्प्रिंकल किया और एक रिडल लेकर के आए, हैंड रिडल लेकर के आए, पहले आगे की ओर हमने फ्रेश मोल्डिंग सैंड भरी और फिर पीछे की ओर हम लोग, पीछे साइड से हम लोग क्या करते हैं, पीछे साइड से हम लोग ये जो होता है बैकिंग सैंड भर देते हैं और फिर रैमिंग कराते हैं। रैमिंग करा के जब एकदम टाइट हो जाती है मोल्डिंग सैंड, तो स्ट्राइक ऑफ बार का यूज करते हुए एक्सेस सैंड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर वाले कहते हैं कोप, नीचे वाले कहते हैं ड्रैग। जब ये हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इनको दोनों को साइड में हटा दिया और एक को पलट लेते हैं। ऊपर वाले को पलट लिया और नीचे वाले को पलट लिया और ऊपर वाले में क्या करते हैं, ऊपर वाले में हम लोग एक टेपर्ड स्क्रू कटर का यूज करते हैं। टेपर्ड स्क्रू कटर की हेल्प से हम लोग एक यहाँ पर एक टेपर्ड स्क्रू कटर की हेल्प से हम लोग एक स्क्रू डिजाइन करते हैं और यहाँ पे एक साइड में एक कॉन्स्टेंट डायमीटर का हम लोग एक राइजर भी हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे, स्ट्राइक ये पैटर्न को ड्रॉ स्पाइक की हेल्प से बाहर निकालेंगे और ये देखिए येलो कलर से आपको कैविटी दिख रही थी, येलो कलर से आप लोग कैविटी देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखिए येलो कलर से आप कैविटी देख सकते हैं। ओके, अब जब हम लोग इस स्प्रू से इस कैविटी को कनेक्ट करने का काम करेंगे और ये जो एक हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल चैनल जो बनाया है, हॉरिजॉन्टल पैसेज जो बनाया है, वो कहलाता है रनर कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया रनर। ओके फ्रेंड्स, और रनर क्या करता है, स्क्रू के बेस को, स्क्रू के बेस को ये मोल्ड कैविटी से कनेक्ट करता है और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये एक वेंट वायर का इस्तेमाल करते हुए एक होल बना दिया। वैसे तो देखा जाए इस डायग्राम में हमें कई सारे होल बनाने होते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एक ही होल दिखा रखा है। अब इसमें क्या किया, इसने यहाँ पर एक कोर को ला करके प्लेस कर दिया है, फिर से दिखाऊंगा वीडियो में आपको। ये वेंट वायर की हेल्प से एक ही होल बना रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कई सारे होल बनाने होते हैं, इस वीडियो में वो चीज नहीं दिखाई गई है। तो अब आपने ये यहाँ पर एक बहुत सेफ्टी के साथ कोर को प्लेस कर दिया, येलो कलर से कोर दिख रहा है आपको और इस कोर के चारों तरफ मोल्डेड मेटल आकर के भर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से ये वेंट वायर की हेल्प से, ताकि ये होल बनाने का फायदा क्या होता है, ये होल बनाने का फायदा ये होता है ताकि गैसेस बाहर निकल सके। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों को हमने रख लिया, जब हमने कोर प्लेस कर दिया था तो फिर से इसको बंद कर दिया और ये जो टेपर्ड होल था, स्क्रू वाला जो टेपर्ड होल था, इसको हम लोग ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा भी करते हैं, साथ ही साथ इसके बगल से, इसके बगल साइड में हम लोग एक पोरिंग बेसिन बनाते हैं। पोरिंग बेसिन वो पार्ट होता है किसी भी गेटिंग सिस्टम का, वो पार्ट होता है जहां पर मोल्टन मेटल सबसे पहले कॉन्टेक्ट करता है और मोल्टन मेटल भरते समय देखिए एक साइड से हम लोग भर रहे हैं और दूसरे साइड से ये मोल्टन मेटल बाहर आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये चीज आपको उस वीडियो में नहीं दिखाई दी थी क्योंकि वहां पर थोड़ा एडवांस सिस्टम उन्होंने यूज किया था, एक अलग से उसके ऊपर एक फीडिंग सिस्टम रख दिया था, तो इसलिए आपको वहां नहीं दिखा था। ये ऐसी चीजें मैं दिखाना चाहता हूं आपको, इसीलिए ये मैं एनिमेशन अलग से लेकर के आया हूं बनवा करके, जिसमें आप देखो कि एक साइड से आपका मोल्टन मेटल पोर कर रहे हैं और दूसरे साइड से वो मोल्टन मेटल बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने का, दूसरे साइड से बाहर निकलने का मतलब ये इंडिकेशन है कि अंदर जो मोल्ड कैविटी है वो कंप्लीटली फिल हो चुकी है, हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जब ये फिल हो गई तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये
कास्टिंग फिल हो जाती है, मल्टीमीटर फिल हो जाता है, तो इसको ठंडा होने को छोड़ देते हैं और ये इस टाइप का हमें कुछ एक सॉलिडिफाइड प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा जब इसे को कास्टिंग को ठंडा होने को छोड़ा जाता है तो अंदर जो मल्टीमीटर होता है वो सॉलिडिफाई होता है और इसके साथ दोनों साइड में एक तो पैसेज वे, दोनों जो पैसेज वे थे, दोनों जो वर्टिकल पैसेज वे और जो हॉरिजॉन्टल पैसेज वे था, तीनों वर्ग क्या कह सकते हैं, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट के साथ तीनों चीज, तीनों पैसेज वे में जो मल्टीमीटर था, फीडिंग सिस्टम भी कनेक्ट रहता है फाइनल प्रोडक्ट के साथ। ओके, वो हो गया स्क्रू और रनर हो गया और राइजर हो गया, इन तीनों का भी जो मोल्टन मेटल है, इन तीनों में भी जो मोल्टन मेटल, वो भी फाइनल प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, उसे हम लोगों को बाहर निकालना पड़ता है, कट करके मशीनिंग करके कट करके बाहर निकालना पड़ता है, और अगर जरूरत लगे तो मशीनिंग के बाद या आउटर सरफेस की भी मशीनिंग कराते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अंदर में पहले आप देखो, प्रीवियस वीडियो में आप देखो, इस वाले वीडियो में आपने जो यहाँ पर ये कोर का जो प्लेसमेंट किया था, ये जो कोर सैंड का बना हुआ कोर है आपने यहाँ पे प्लेस किया था, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब फाइनल प्रोडक्ट बन के सामने आता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसे हम लोग एक साइड से स्ट्राइक करके बाहर निकाल देते हैं, दूसरे साइड से बाहर निकल जाता है और ये ऐसा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पूरी प्रोसेस है, कास्टिंग प्रोसेस, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर इस रियल लाइफ वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला था। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप जितना इस पे लाइक करते हैं या जितने भी लोगों को और भी यहाँ पर जोड़ते हैं, वो भी कहते हैं ये हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है, ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा ऐसे ही वीडियोस ला सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो था हमारा टोटल वीडियो। बाकी मैं यहाँ पे आपको जो मैंने स्टार्टिंग में एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेरा कोड है सर्वेश10, जिसका यूज करके आप लोग अनअकैडमी प्लस पे कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को ये लगा हो कि उसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने के क्या फायदे हैं और क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एवरीडे लाइव कोर्सेज मिलते हैं, ये लाइव कोर्सेज इंग्लिश या हिंदी में हो सकते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे क्रैश कोर्सेज भी मिलते हैं। ओके, यहाँ पे हर एक टाइप के आपको बैचेस मिलते हैं, गेट के अलग से, एसएससी के अलग से, हर एक टाइप के बैचेस आपको मिल जाते हैं, और ईएससी के अलग और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए नॉन टेक के अलग से, यहाँ पे आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी अलग से मिलते हैं, वीकली टेस्ट का प्रोविजन आपको मिलता है, यहाँ पे आपको बेस्ट बैच कोर्सेज इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का आपको मौका मिलता है। ये देखिए, इस टाइप के डायग्राम्स पहले से बने बनाए कलरफुल डायग्राम यूज करते हैं टीचर्स, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती है, और आप इसी के साथ साथ आपको काफी सारी नई चीजें भी, काफी आपका टाइम भी बचता है, आपका टाइम भी बहुत बचता है, क्योंकि आप ही समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे डायग्राम बनाने के लिए टीचर को क्लास में कितना टाइम लग जाता है। और यहाँ पर जैसे ही एक स्लाइड चेंज करी, तुरंत नेक्स्ट स्लाइड पर इतना शानदार डायग्राम आपका वेट कर रहा होता है, तो आपका टाइम बहुत बच जाता है, आपका टाइम बहुत बचता है, क्वेश्चंस डायरेक्टली टाइप होकर के आपके सामने रहते हैं, डायग्राम्स डायरेक्टली बने हुए रहते हैं, और टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स डायरेक्टली चीजों को डिलीवर करना, डायरेक्टली चीजों को समझाना स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी आप देखिए, ये जो सेशन मैं चला रहा हूँ, लगातार बोलते जा रहा हूँ, इससे आपका भी टाइम बच रहा है। अभी मैं हर चीज का डायग्राम बनाता और फिर उसमें आपको एक्सप्लेन करता, तो यही एक टॉपिक ऑफलाइन क्लास में 3 से 4 घंटे में खत्म होता, जो कि यहाँ पर इतने कम समय में हम लोग कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम जब कम हम लोग लगाएंगे, तो उस तरीके से वो जो टाइम हम लोग बचाते हैं, उस टाइम को हम लोग चीजों को रिवाइज करने में और नए नए न्यूमेरिकल्स लगाने में कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सबसे बड़ा फायदा है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन का। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलते रहते हैं, आप डायरेक्टली टीचर से अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे अंकित गोयल सर, इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज में से एक, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आपको इनके भी लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग जब डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, तो डाउट क्लियरिंग सेशन में क्या होता है, प्लस कोर्सेज में हर तीन क्लास के बाद जो चौथी क्लास होती है वहां पर डाउट क्लियरिंग का प्रोविजन होता है। ओके, तो टीचर अपने साथ
वैसे तो टीचर अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आप कह सकते हैं या फिर कुछ एक क्वेश्चंस भी ले आता है, लेकिन वे अगर किसी को उस डाउट क्लास में कोई डाउट नहीं आया कि जैसे मान लीजिए जनरली अगर टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है तो हो सकता है कि स्टूडेंट को कोई डाउट ना आए या एक आधा छोटे मोटे डाउट आए जो कि 15-20 मिनट में सॉल्व हो जाए। अब क्लास आपकी 1-1.5 घंटे की है, 2 घंटे की है क्लास, तो वहां पे टीचर अपने पास बैकअप में कई सारे क्वेश्चंस रखता है और उस डाउट क्लियरिंग क्लास में उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाया जा सकता है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा प्रोविजन है यहाँ पे, सारे डाउट हर 3 दिन में जो मटेरियल पढ़ाया गया है उसका डाउट क्लियर करेगा ही करेगा टीचर हर हाल में। ओके फ्रेंड्स, जो भी आपकी ऑफलाइन में बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, ये आप दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल जो जाते हो, वहां पर पुणे जो जाते हो आप कोचिंग करने, वहां पर एक एक क्लास में जहां पर 250-300, 300-500 बच्चे बैठते हैं, वहां पर टीचर से डाउट पूछना एक बहुत बड़ा सरदर्दी हो जाती है। कोई टीचर आपके डाउट बताने के लिए इतना टाइम रहता ही नहीं है कि वो एक टीचर सबको डाउट बताते रहे, वहां पर प्रोविजन ही नहीं होता है, इतना गैप ही नहीं रखते हैं, खटाखट क्लास एक के बाद एक, एक के बाद एक दूसरी क्लास रहती है, तो प्रोविजन ही नहीं होता है कि टीचर बता पाए। टीचर चाहता तो है, मैं टीचरों को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ऑफलाइन के टीचर्स आपको डाउट नहीं बताना चाहते हैं, वो बताना वो तो चाहते हैं, लेकिन फिर उनका टाइम टेबल ऐसा होता है कि वो लोग बैक टू बैक क्लासेस होने की वजह से वो लोग 4-5 या 8-10 से ज्यादा स्टूडेंट्स को वो लोग इंटरटेन नहीं कर पाते। ओके, तो फ्रेंड्स ये सब बहुत ही रियलिटी है। तो अगर आप लोग पहली बार कहीं प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आप अपने कॉलेज के सीनियर्स या फिर जो कोई भी आपके बड़े भैया या कोई मोहल्ले में या कहीं पे रिश्तेदारी में कोई हो उनसे आप लोग ये रियलिटी पूछिए कि क्या ऑफलाइन कोचिंग में जहाँ 500-500 बच्चे एक साथ बैठ रहे होते हैं वहां पर डाउट सॉल्विंग कैसे होती है? नहीं होती है, नहीं कराते हैं। 90% स्टूडेंट का पूरा साल निकल जाता है वो टीचर से डायरेक्ट फेस टू फेस कभी बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये एक प्रोविजन है, बहुत बड़ा प्रोविजन है कि हर 3 क्लास के बाद आपका जो भी पढ़ाया गया उस 3 क्लास में उसका आपके पास कोई डाउट है तो आप लेकर के आइए। ओके, आप न्यूमेरिकल लेकर के आइए अपनी तरफ से कि सर मेरा ये न्यूमेरिकल है। आप पहले से ही टीचर को चाहे तो न्यूमेरिकल भेज सकते हैं कि सर ये मेरे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे टीचर को अपने डाउट्स भेज सकते हैं और वो टीचर या तो आपको वहीं पे आपको वो डाउट क्लियर कर देगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, और या तो वो आपके डाउट को लेकर के आएगा डाउट क्लास में। अगर बहुत अच्छा बहुत छोटा सा डाउट होगा तो चलो आपको डायरेक्टली क्लियर कर दिया। कोई अच्छा डाउट है जो कि टीचर को लगे कि ये तो सबको बताना चाहिए तो उस डाउट को टीचर पहले से आपके डिस्कस कर रखा है और टीचर उस डाउट को क्लास में लेकर के आएगा और फिर वो डिस्कस करेगा सबके सामने। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि सबका डेवलपमेंट होता है। अब 50 बच्चों की क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं, हर बच्चा एक एक डाउट भी ले आता है तो भी 50 चीजें हो गई डिस्कस करने के लिए जो कि डाउट के रूप में है। तो उसमें से कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि शायद आपके माइंड में ना आई हो लेकिन पे आपको भी दिक्कत हो उस चीज में। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसी चीजें आपको बहुत फायदा पहुंचाती हैं, ये डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत फायदा पहुंचाता है। ओके फ्रेंड्स, ये तरीका है यहाँ पर इसका प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करने का। आप क्या करेंगे, आपको अनअकैडमी प्लस पे अनअकैडमी आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना होगा या अनअकैडमी.com पे जाना होगा। वहां पर आप एक गोल चूज करते हैं। गोल का मतलब क्या, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप गेट या ईएससी की प्रिपरेशन करें तो आप गेट ईएससी पे टिक कीजिए और वहां से आपको ये प्लस सब्सक्रिप्शन जैसा कुछ दिखाई देगा। तो जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको ये देखिए, ये जो गेट और ईएससी का ये जो यहाँ बना हुआ है, ये गेट और ईएससी का है। वैसे तो देखिए हमारा जो कोड है वो सभी जगहों पे लग जाता है, लेकिन फिर क्योंकि हम लोग फैकल्टी गेट एंड ईएससी इसलिए आपको यहाँ पे दिखाया है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाते हो, यहाँ पे आप क्लिक करते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दिखाता है कि 4-5 सब्सक्रिप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो होता क्या है कि ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ये गेट या गेट के जो 5 सब्सक्रिप्शन है, ये 5 मतलब कि 1 महीने का भी आप ले सकते हो, 3 महीने का भी ले सकते हो, आपके कहते हैं 6 महीने का भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, या फिर 12 महीने का, और या फिर साल भर का सब्सक्रिप्शन, या फिर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मतलब कि आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है 5,000 का, 3 महीने का मिलता है 12,000 रुपये 12,500 का, उसके बाद 6 महीने का मिलता है 20,000 का, और साल भर का सब्सक्रिप्शन मिलता है 25,000 का, और 2 साल का अगर आप बीटेक से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या फोर्थ ईयर के भी हैं तो भी आपके लिए ये 2 साल वाला बड़ा सुटेबल हो सकता है सब्सक्रिप्शन। तो ये आप ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको अनअकैडमी की तरफ से 2 साल वाले सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट आपकी पड़ती है 30,000 रुपये।
ओके तो अब जब आप मेरा कोड सर्वेश 10 का यूज करेंगे यहां पर, अब जब आप मेरा कोड सर्वेश 10 या सर्वेश 11 का यूज करोगे आप, ओके सर्वेश 10 या सर्वेश 11 का जब आप यूज करते हो, तो उस केस में क्या होता है, ये जो आपका 12 महीने का चार्ज, 12 महीने का चार्ज जो आपका था 25,000 रुपए, ये 25,000 से 10% माइनस हो करके, ये 25,000 से 10% माइनस हो करके 22,500 रह जाता है, ओके 10% माइनस हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और वहीं ये जो 30,000 का दो साल का जो 30,000 का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी की तरफ से, तो 30,000 का है, लेकिन पे मेरा कोड आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपको मेरे कोड से आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है, और ये दो साल का सब्सक्रिप्शन 30 की बजाय सिर्फ 27,000 का रह जाता है, ओके फ्रेंड्स। तो ये आपको कुछ चीजें ऐसी हैं, बहुत ही सस्ता एक साल का सब्सक्रिप्शन, ऐसे ही 6 महीने वाला भी आपको 20,000 की बजाय 18 का हो जाता है, जो 3 महीने वाला है वो 12,500 की बजाय 11,250 का, और एक साल वाला 5,000 की बजाय 4,500 का रह जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से कैसे कैसे हम लोग ये चीजें कर सकते हैं, और बहुत सस्ते में 22,500 रुपए फ्रेंड्स, एक साल के लिए 22,500 का मतलब आपको पता है कितना हुआ, एक महीने का 1,875 रुपए। और फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से पता होगा 1,875 रुपए तो आजकल लोग क्या कहते हैं, एक बार लोग पार्टी में बैठते हैं उसमें खर्चा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 1,875 रुपए की एक जीन्स नहीं आती है, और एक जीन्स से भी कम की कीमत में आपको इंडिया के टॉप के फैकल्टीज से पढ़ने का, साल भर पढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे आपको सिर्फ 1,125 रुपए में एक महीने का 1,125 रुपए कॉस्ट आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही कम कॉस्ट है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ये पेमेंट करने के लिए आप जब जाओगे यहाँ पर, आप जब अपना सब्सक्रिप्शन चूज करोगे और ये मेरा कोड अप्लाई करोगे, कोड पे अप्लाई करने के बाद आपको दिखाएगा कॉस्ट चेंज होके दिखाएगा, और आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे आने पे आपसे पूछता है कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, क्या आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, या क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से डायरेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई UPI एड्रेस या कहते हैं या UPI ऐप का यूज करके आप पेमेंट करना चाहते हैं, पेटीएम का यूज करके आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं। आप इन चीजों पर आप क्या करते हो, क्लिक करते हो, जो भी आपका सुटेबल मेथड होता है उस पर आप क्लिक करते हो, और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो वहां से आपकी ये पेमेंट हो जाती है, ओके फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पर हमारे अनअकैडमी में, आपको लोन, ये आप क्रेडिट कार्ड से भी लोन लेकर के भी ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो, और आपको जीरो कॉस्ट EMI पे आपको लोन मिल जाता है अनअकैडमी के कोर्सेज को परचेज करने के लिए, ओके फ्रेंड्स। इसको कहते हैं जीरो कॉस्ट EMI। जीरो कॉस्ट EMI का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट 0% होता है, 0% इंटरेस्ट रेट, मतलब आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। 22,500 कोर्स की सब्सक्रिप्शन फीस है, एक साल के कोर्स की सब्सक्रिप्शन फीस है, और आप चाहे तो आप 12 महीने में, चाहे आप 3 महीने कर लो, चाहे आप 6 महीने कर लो, चाहे आप 9 महीने कर लो, चाहे आप 12 महीने कर लो, आपसे वही कहते हैं 22,500 रुपए टोटल लिए जाएंगे हर मंथ। अगर आप देखो तो 12 महीने का अगर लेते हो तो 1,875 रुपए पर मंथ आपका कॉस्ट आएगा, और 1,875 को आप 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, वही 22,500 रुपए आपके आएंगे, बिल्कुल भी एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा आपसे, कोई ब्याज या कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, ओके फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास अपनी प्रिपरेशन को फाइनल एम तक पहुंचाने का, अपनी प्रिपरेशन अपने फाइनल एम को अचीव करने का। और फ्रेंड्स डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। मेरे कोड को याद रखिएगा, सर्वेश 10 या सर्वेश 11, दोनों में से कोई एक कोड ही लगेगा, और दोनों कोड से ही 10% का ही डिस्काउंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि सर्वेश 10 से 10% और सर्वेश 11 से कुछ और, दोनों से केवल 10% का ही मिलता है, और कोई एक ही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि आपने दोनों चढ़ा दिया
और आप कहें कि सर 10-10 मिला के 20%, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही कोड अप्लाई होगा और दोनों कोड से 10% का ही आपको डिस्काउंट मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ चीजें हैं। यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, हमने कई सारे गेट पे, हमने फेसबुक पे कई सारे ग्रुप्स बना रखे हैं और ये हमारा एक ग्रुप है गेट एस्पिरेंट के नाम से, जो गेट एस्पिरेंट का जो ग्रुप है, गेट एस्पिरेंट MECE और CSE, यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये आपको इस ग्रुप में, यहाँ हमने कई सारे सीक्रेट ग्रुप्स भी बना रखे हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, क्वेश्चंस का डाउट भी बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी आप इस तरीके से देखिए, हर एक क्लास के बाद टीचर अपने जो नोट्स होता है उसको इस तरीके से टेलीग्राम चैनल पे क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को आपको ऐसा वे ऑफ टीचिंग या इस तरीके का मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार एटमॉस्फेयर है यहाँ पर और बहुत ही शानदार अरेंजमेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या आप लोग हमारा स्वागत नहीं करेंगे? क्या आप लोग यहाँ पर हमारे सब्सक्रिप्शन को नहीं लेना चाहेंगे? फ्रेंड्स, जरूर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अपने टारगेट तक पहुंचाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूं। कल फिर मिलेंगे हम लोग, आगे फिर मिलेंगे, ऐसे ही कई सारे सेशन करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।